नवजात बेटे का चेहरा देखे बगैर ही शहीद हो गए अमित कुमार तिवारी। जल्द घर आने की थी तैयारी, 15 अगस्त को पहुंचा तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर। सेना की गाड़ी से तिरंगे में लिपटा जवान पहुंचा तो लोगों की लग गई भीड़, सभी ने कहा शहीद अमित तिवारी अमर रहे। राजकीय सम्मान के साथ जवान को मिली अंतिम विदाई। एक जवान जो जंगलों में नक्सलियों से देश की सुरक्षा कर रहा था, इधर हर पल अपने शूरवीर पति का इंतजार करते करते पत्नी की आंखें पथरा सी गई। समय नजदीक आया तो उसने पति जैसे ही एक नन्हे सैनिक को जन्म दिया। जब दुश्मनों से लोहा लेते वक्त जवान को सूचना मिली कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो पूरा हृदय खुशी से फूल गया। पत्नी दिन गिन गिन कर इंतजार कर रही थी, जवान को बेटे से मिलने के लिए छुट्टी भी दी जाने वाली थी, मगर कुछ पहुंचा तो जवान का तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर। ये सुनने में जितना मर्माहित है, सोचिए जिस परिवार पर गुजरी है उनका क्या हाल होगा। जब तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की भीड़ शहीद अमित तिवारी अमर रहे के नारे लगाने लगी, लेकिन मां तड़प रही थी, पत्नी बिलख रही थी और जवान बेटे को शहीद होता देख पिता छटपटा रहा था। हम बात कर रहे हैं सोमवार को कोल्हान जंगल में हुए नक्सल विरोधी अभियान की, जिसमें झारखंड के 2 जवान शहीद हो गए। इसमें 1 सिपाही और 1 SI थे। SI अमित कुमार तिवारी को 3 दिन पहले ही बेटा हुआ था, मगर अफसोस वो अपने बेटे का चेहरा देखे बगैर ही शहीद हो गए। शहीद अमित कुमार तिवारी झारखंड पलामू के रेल्हा थाना अंतर्गत तोलड़ा गांव के रहने वाले थे। कल 15 अगस्त को शहीद जवान का तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से पलामू के तोलड़ा गांव लाया गया। जब सैनिकों ने जवान को परिजनों के सुपुर्द किया तो उनका कलेजा फट गया। पत्नी अपने 3 दिन के मासूम बेटे को पति के सीने पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मां सुध खोए बेटे की याद में बिलखने लगी। पिता जवान बेटे को खोता देख अपना आपा खो बैठे थे। दादा चाचा हर कोई रो रहा था। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन देश के लिए शहीद होने पर गौरवान्वित भी महसूस कर रहा था। आज 16 अगस्त की सुबह पलामू कोयला नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। हजारों की संख्या में लोग जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जो शहीद अमित तिवारी जिंदाबाद और भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। अंतिम विदाई के दौरान दर्जनों पुलिस अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और पलामू पुलिस के जवानों ने शहीद के सम्मान में 2 राउंड फायरिंग की। पिता देवेंद्र कुमार तिवारी ने शहीद अमित कुमार तिवारी को मुखाग्नि दी। बता दें शहीद अमित कुमार तिवारी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर बनने के बाद उनकी पोस्टिंग अति उग्रवाद प्रभावित खूंटी जिला में हुई। नक्सल विरोधी अभियान में अनुभव होने के कारण उनको जगुआर में आने के बाद चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान में लगाया गया था, मगर सोमवार को कोल्हान जंगल में नक्सल विरोधी अभियान से जब जवान लौट रहे थे तभी नक्सलियों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें SI अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो गए। आज हम लोग अपने झारखंड जगुआर के 2 जवानों को नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए और ये सरकार के लिए भी और इस राज्य में नक्सली गतिविधियों पर काबू करने का जो पुरजोर प्रयास चल रहा है और बड़े तेजी से उन पर काबू भी पाया जा रहा है, आज इसी का एक परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद है। उनके परिवार के साथ हमारी और सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं और हर प्रयास जो उनको सहयोग होगा वो हम करेंगे। और झारखंड जगुआर की कुछ समस्याएं हैं जो हमारे संज्ञान में आई है, अतिशीघ्र उसे दूर करते हुए
जवानों के मनोबल को किसी भी हालात में इनका मनोबल को हम लोग गिरने नहीं देंगे, और जो इस तरीके के दुस्साहस कर रहे हैं उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे।